गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज GI पैथोलॉजी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारियां जो है अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई GI के अंदर अपन एक्चुअली डिजीज़ की फॉर्म में सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ते हैं, पेप्टिकल्स और टाइफाइड फीवर। इसके अलावा अपन कैंसर पढ़ते हैं GI के, लीवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज के अलग से बीमारियां पढ़ेंगे, पर GI में सिर्फ अपन दो ही बीमारियां पढ़ते हैं, जिसमें आज पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं पेप्टिक अल्सर। एक्चुअली पेप्टिक अल्सर इज एन एक्सकेवेशन हॉलोड आउट एरिया और सर्कमस्क्राइब्ड लेजन इन द म्यूकोसा वॉल ऑफ द स्टमक, इन द पाइलोरिक, इन द ड्यूडेनम और इन द ईसोफेगस। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ये एक एक्सकवेटेड हॉलोड आउट एरिया, मतलब उठा हुआ खोखला एरिया है, या आप कह सकते हो कि ये म्यूकोसा वॉल के अंदर एक सर्कमस्क्राइब्ड लेजन है। लेजन घाव को कहते हैं अपन, सर्कमस्क्राइब्ड जो एकदम क्लियर पता चलता है, सर्कमस्क्राइब्ड लेजन है म्यूकोसा वॉल में। किसकी म्यूकोसा की वॉल? स्टमक की, पाइलोरिक की, ड्यूडेनम की या ईसोफेगस की। इनमें से किसी भी जगह पर अगर आपको लेजन दिखाई दे रहे हैं तो वो पेप्टिक अल्सर ही कहलाते हैं। ये पेप्टिक अल्सर में कैसे पता चलता है पेप्टिक अल्सर हो गया? कि दर्द होता है, स्पेशली जब आप खाना खाते हो तो आपके फूड से म्यूकोसा खींचती है तो दर्द और ज़्यादा तेज होता है, तो पता चलता है कि अच्छा कोई पेट में अल्सर हो गए हैं। प्लस नोजिया एनोरेक्सिया रहेगा, क्योंकि भाई जब आप खाना खाओगे और पेट में ऐसा सीवियर पेन होगा तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही होगी, तो भूख मर जाएगी, तो एनोरेक्सिया वगैरह रहने लगता है। तो अब ये टॉपिक हमारे को इसमें पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, पेप्टिक अल्सर एक लेजन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा की लाइनिंग में पाया जा रहा होता है। लाइनिंग में यानी म्यूकोसा की लाइनिंग हमेशा म्यूकोसा की होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। टिपिकली स्टमक या ड्यूडेनम में देखने को मिल रहा होता है डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से, पेप्सिन के डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से और स्टमक एसिड की वजह से ये बनते हैं मेनली। तो ये लेजन्स जो होते हैं सब्सिक्वेंटली लैमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा में बनते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रहने लगती है। अधिकतर पेप्टिक अल्सर जो है वो ड्यूडेनम या स्टमक में बनते हैं। ये अल्सर जो है वो लोअर ईसोफेगस में भी हो सकते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लेक्स की वजह से, और रेयरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है जो डैश डैश दिए हुए हैं ना, इसमें एक साथ आए हुए हैं, आपको एक पॉइंट बनाना है। फर्स्ट पॉइंट लेजन से ब्लीडिंग तक, दूसरा पॉइंट मोस से स्टमक तक, तीसरा अल्सर से लेकर कंटेंट तक, और चौथा रेयर से लेकर इंटेस्टाइन तक। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन ये लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा में बनते हैं, ब्लीडिंग कॉज करते हैं। अधिकतर पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम स्टमक में बनते हैं। तीसरा, अल्सर लोअर ईसोफेगस में भी बन सकते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लेक्स की वजह से, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट उल्टा चल रहा हो तब बन सकते हैं, और कभी कभार ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर आप देखें तो देखो हमारे अंदर एक्चुअली तो क्या होता है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म चल रही होती है, इसलिए हमारे हर किसी के पेट के अंदर ऐसे पेप्टिक अल्सर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर तीखा भुना खाने से भी हो जाते हैं। पर हम भी खा रहे होते फिर हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म हमेशा बैलेंस स्टेट में रहती है, और वो फैक्टर्स जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं वो एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं। तो जब कभी भी किसी पर्सन के अंदर एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर में इम्बैलेंस आ जाता है, एग्रेसिव ज़्यादा हो जाए डिफेंसिव कम हो जाए, तो इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एग्रेसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला हेलिकोबैक्टर पाइलोरिका इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया है। दूसरा नेसिड्स, जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तीसरा पेप्सिन जो रिलीज होता है हमारे पेट में। चौथा बाइल एसिड भी हमारी बॉडी में रिलीज होता है। पाँचवा, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी ये पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिफेंसिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बाइकार्बोनेट, म्यूकस की लेयर, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है, म्यूकोसा का ब्लड फ्लो और एपिथेलियल रिन्यूअल, ये सारे फैक्टर्स हमें बचाते हैं। तो इन दोनों में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो ये बीमारी कॉज हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में तो फिजियोलॉजिकल बैलेंस इन दोनों के अंदर गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रीशन में और गैस्ट्रो ड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस में हमेशा बना रहता है, पर म्यूकोसा की इंजरी जो है वो पेप्टिक अल्सर कॉज कर देती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव मैकेनिज्म।
का जो बैलेंस अगर डिसरप्ट हो जाता है, एग्रेसिव फैक्टर जैसे नेसेड, एच पायलोरी का इन्फेक्शन, एल्कोहल, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, पेप्सिन, ये ऑल्टर्ड हो जाते हैं तो ये मतलब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये म्यूकोसल डिफेंस को ऑल्टर कर देते हैं। और हाइड्रोजन आयंस का बैक डिफ्यूज़न होता है जिससे कि सब्सिक्वेंट एपिथेलियल सेल में इंजरी हो जाती है। अब इसके कारण क्या हैं, इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, तो लाइफ स्टाइल, एच पायलोरी का इन्फेक्शन, एज, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरे अदर फैक्टर्स, स्ट्रेस वगैरह भी होते हैं। लाइफ स्टाइल में अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, एसिडिक ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हो, आप कुछ पर्टिकुलर तरह की दवाइयाँ जैसे नेसेड्स वगैरह अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आप में रिस्क फैक्टर बने रहते हैं। एच पायलोरी का इन्फेक्शन तो 90% केस में यही देखने को मिलता है, इसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जो कि पर्सन टू पर्सन फीको ओरल रूट से या ओरल ओरल रूट से पास होता है। एज में, एज के अकॉर्डिंग ड्यूडेनल का जो अल्सर है वो 30 से 40 ईयर्स और गैस्ट्रिक अल्सर 50 साल के बाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंडर, ड्यूडेनल अल्सर जो है वो ओल्डर वुमेन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर्स, ये ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की हिस्ट्री अगर रही होती तो उनमें भी देखने को मिल सकता है। दूसरे फैक्टर्स में स्ट्रेस अगर ज़्यादा बिगड़ जाए, कॉज नहीं स्ट्रेस ज़्यादा बिगड़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर देखने को मिले। अब टाइप्स, क्योंकि मैंने कहा मेनली एक गैस्ट्रिक रीज़न या ड्यूडिनल रीज़न में देखने को मिलता है, तो टाइप भी गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर मेनली। हालांकि और तो हमने बोला भाई इंटेस्टाइन वगैरह कहीं पर भी हो ही सकता है, पर मेनली गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल रीज़न में होता है। तो अब इन दोनों का अपन देख लें थोड़ा सा। देखो गैस्ट्रिक अल्सर तो दिखाया गया है, ये स्टमक का पार्ट, ये फंडस वगैरह, ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्व वाला एरिया बताया गया, तो वहाँ पर देखो कहाँ गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है। पायलोरिक स्फिंक्टर वाले रीज़न के बाद आप ड्यूडिनल में भी ये अल्सर देख सकते हो। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दोनों की, ड्यूडिनल अल्सर 30 से 40 की उम्र में, गैस्ट्रिक 50-60 की उम्र में ज़्यादा होता है। ड्यूडिनल मेल में ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिक फीमेल में ज़्यादा होता है। ड्यूडिनल जो स्ट्रेस के जॉब वाले लोग होते हैं जैसे मैनेजर की पोस्ट वगैरह उनमें ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक में भी सेम कंडीशन है। पेन, ड्यूडिनल में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, पर्सन को डिस्कम्फर्ट रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर में एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो रेडिएट होता हुआ बैक रीजन में जा सकता है। ऑनसेट 2 से 3 घंटे में खाना खाने के बाद या मिडनाइट में इस ये होने स्टार्ट हो जाता है, दर्द कॉज हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर तो ईटिंग के तुरंत बाद ही दर्द जो है वो कॉज कर देता है। एग्रेशन हंगर से होता है, ड्यूडिनल अल्सर का दर्द जो है वो भूख से ज़्यादा होता है जबकि गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द खाने से ज़्यादा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर क्योंकि भूख से हो रहा है तो ऑब्वियस है वो ईटिंग से रिलीव हो जाता है, कुछ खा लोगे तो आराम मिलेगा, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर तो खाने से बिगड़ रहा है तो आप अगर लेटेंगे या वॉमिटिंग हो जाती है तो आराम मिलता है। ड्यूरेशन 1-2 महीने तक ऐसे अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर बने रहते हैं जबकि गैस्ट्रिक अल्सर कुछ हफ्तों के लिए ही होते हैं। सोचो ड्यूडिनल अल्सर 1-2 महीने तक बने रहते हैं, गैस्ट्रिक सिर्फ फ्यू वीक्स के लिए होते हैं। ड्यूडेनम वाले में वॉमिटिंग कॉमनली नहीं देखी जाती जबकि गैस्ट्रिक में बहुत कॉमन होती है और वो पेन में आराम देती है, वॉमिटिंग होने से पेन में राहत मिलती है। ड्यूडिनल में एपिटाइट ठीक रहती है, वो तो खाना खाने से ठीक हो जाता, तो फिर भूख सही रहेगी, इसमें तो बिगड़ जाती है। पेशेंट खाना खाने से डर रहा होता है, मन ही नहीं करता उसका खाना खाने का, क्योंकि खाना खाते ये जो पेन है वो बिगड़ जाता है। डाइट ऑब्वियस ड्यूडिनल अल्सर में अच्छी रहती है और वो इसीलिए लोग खाते रहते हैं ताकि पेन में आराम मिले, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में तो खाना अवॉइड ही करते हैं क्योंकि दर्द हो रहा होता है। वेट लॉस होता ही नहीं है ड्यूडेनम में क्योंकि आप खाना प्रॉपर खा रहे हो, कहाँ से वेट लॉस होगा, पर गैस्ट्रिक में वेट लॉस होगा। हिमैटमेसिस, खून वाली उल्टियाँ 40% केस में ड्यूडिनल अल्सर में और गैस्ट्रिक में 60% केसेस में देखने मिलता है। मेलिना, ब्लड इन स्टूल 60% केसेस में ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक में 40% केसेस में। अब इन्वेस्टिगेशन, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं आप, तो स्टूल एग्जामिनेशन कर लीजिए फीकल ऑकल्ट ब्लड को देखने के लिए, और CBC कर सकते हो ब्लड सेल्स कम हो गई है देखने के लिए। ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी कर सकते हो, एंडोस्कोपिक पिक प्रोसीजर से आप अल्सर को देख सकते हो। एच पायलोरिक इन्फेक्शन को या कोई कैंसर वगैरह तो टिश्यू बायोप्सी कर सकते हो। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज UGI बेरियम स्वेलो से देख सकते हो, एक्सरे करवा लो। उसके बाद यूरिया ब्रीद से भी आप एच पायलोरी के इन्फेक्शन को कंफर्म कर सकते हो।
अलार्मिंग सिम्टम जो सभी पेशेंट में एंडोस्कोपी करवाने के लिए दिखाई, मतलब ये सिम्टम दिखे तो एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए, जैसे कि भूख अगर नहीं लग रही है, निगलने में दिक्कत आ रही है, वजन कम हो रहा है, वॉमिटिंग अक्सर रहती है, भूख नहीं लग रही है जैसा हमने बोला, खून की उल्टियाँ आ रही है या स्टूल के अंदर खून आ रहा है, तो एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशन बाद में पढ़ाऊंगी मैं आपको, उससे पहले पैथोफिजियोलॉजी बता देती हूँ भाई, नोट डाउन कर लीजिए कि ग्राम नेगेटिव एच पायलोरी का इन्फेक्शन अगर होता है तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि एंगजाइटी, स्ट्रेस, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ SCL ड्यू टू इंजेशन ऑफ बिहेवियर, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, SCL का तो इंजेशन वगैरह से, और ब्लड टाइप अगर AO है या कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है या नॉर्मल एजिंग की वजह से ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी अगर मौजूद है, एच पायलोरी का इन्फेक्शन भी हो गया तो टिश्यू में इंजरी हो जाती है टॉक्सिन्स रिलीज की वजह से, जिससे कि गैस्ट्रिक और ड्यूडनल म्यूकोसा डिस्ट्रॉय हो जाती है और पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। ये पैथोफिजियोलॉजी है, आपको कैसे लिखनी है, एरो एरो बना करके लिखनी है। एरो एरो बना करके मतलब पहले लिखेंगे इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव एच पायलोरी, एरो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स एंग्जाइटी स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिखना है फैक्टर्स, एंग्जाइटी स्ट्रेस, एक्सेसिव सीक्रेटिंग ऑफ SCL ड्यू टू इंजेशन ऑफ बिहेवियर, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ब्लड टाइप ए एंड ओ, नाउ फिजिकल ट्रॉमा एंड नॉर्मल एजिंग, एरो टिश्यू इंजरी बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिन एंड डेस्ट्रॉय गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा, एरो पेप्टिक अल्सर, खत्म। इसके बाद आप पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखेंगे, जिसमें दो चेंजेस हैं। पहला चेंज है पेप्टिक अल्सर इज कॉमनली सॉलिटरी, स्मॉल, राउंड टू ओवल एंड कैरेक्टरिस्टिकली पंच्ड आउट। सेकंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इज पेप्टिक अल्सर हिस्टोलॉजिकली कंपोज ऑफ फोर लेयर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज नेक्रोटिक, सेकंड सुपरफिशियल एक्जुडेटिव, थर्ड ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, फोर्थ साइकेट्राइजेशन। मतलब समझा देती हूँ मैं आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस में। पहला हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर अक्सर एक ही बनता है, छोटा होता है, लगभग 1 से 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर का, गोल से लेकर अंडाकार हो सकता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई पंच डाउट एरिया है, ऐसे हाथ से दबाकर किसी एरिया को उठा दिया ऐसा लगता है। और हिस्टोलॉजिकल अगर आप टिश्यू देखोगे तो चार लेयर टिश्यूज़ की दिखाई देगी, पहला नेक्रोटिक टिश्यू दिखाई देगा, उसके नीचे सुपरफिशियल एक्जुडेटिव जिसमें पस पड़ जाता है, तीसरा ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, और चौथा साइकेट्राइजेशन। साइकेट्राइजेशन की स्पेलिंग है CICATRISATION, साइकेट्राइजेशन का मतलब होता है थिक लेयर ऑफ ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस पेप्टिक अल्सर के, हैमरेज हो सकता है पर्सन को, परफोरेशन हो सकता है, और पाइलोरिक में नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है स्वेलिंग की वजह से। अंदर के पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा, बस इसके साथ में ये टॉपिक ख़त्म। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। चलो बताइए तो अंदर वाले टॉपिक्स, हैमरेज हमने कहा ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है अल्सर की वजह से, क्योंकि ये अल्सर जो है वो स्टमक और ड्यूडनल वॉल की मसल तक डीप तक हो जाते हैं, तो जिस वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी तो हैमरेज आने लगेगा। और वॉमिट अगर हो रहा है तो उसका कॉफ़ी ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑकल्ट ब्लड हो सकता है, और स्टूल में भी जो स्टूल है वो टैरी कलर का दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसमें ऑकल्ट ब्लड, छुपा हुआ ब्लड हो सकता है। तो वॉमिट भी गहरे रंग की कॉफ़ी कलर की हो सकती है, और स्टूल भी जो है वो टैरी हो सकता है। परफोरेशन अल्सर जो हमने कहा एंटायर वॉल को इरोड, घर्षण कर देगा, तो छेद भी हो जाते हैं उस वॉल के अंदर। बैक्टीरिया और पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो है वो पेरिटोनियम में चले जाते हैं, जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो जाता है। पाइलोरिक में नैरोइंग ऑब्स्ट्रक्शन स्वेलिंग की वजह से, स्कैरिंग की वजह से हो जाता है, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, स्टमक में से फूड निकलने, रिपीटेड वॉमिटिंग रहने लग रही होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। बस सिंपल इजी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये डिजीज़ अपनी यहाँ पे ख़त्म। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टाइफाइड फीवर पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।